नमस्कार, मैं बलजीत ढाका करंट अफेयर्स के इस इंपोर्टेंट शो में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज है तारीख 6 जनवरी 2019। चलिए चलते हैं आज के इंपोर्टेंट क्वेश्चन पे। सबसे पहले देखते हैं प्रीवियस क्विज, जो दो क्विज थे, दो क्वेश्चन पूछे थे हमने, उसका आंसर आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में देना था, आप लोगों ने दिया था और बहुत सारे स्टूडेंट ने इसका करेक्ट आंसर दिया है। तो क्या था क्वेश्चन, क्या थे क्विज? आसाम अकॉर्ड MOS विच इन न्यूज साइंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर। हाल ही में जो आसाम अकॉर्ड है वो समाचारों में रही है, वो किस साल उसमें सिग्नेचर हुए थे? तो इसका राइट आंसर है 1985। अबाउट हाउ मेनी आधार कार्ड्स हैव बीन इश्यू टू पीपल टिल नवंबर 2018, और इसका आंसर था 123 करोड़। ये है आज के क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी प्रोजेक्ट हैव बीन रिसेंटली अप्रूव्ड बाय द हरियाणा गवर्नमेंट फॉर द रिजुविनेशन ऑफ सरस्वती रिवर। सरस्वती रिवर का पुनर्युवीकरण किया जा रहा है हरियाणा सरकार द्वारा। हरियाणा की एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्राचीन नदी पहले होती थी ये, तो उसको दोबारा से उसको पुनर्जीवन करने के लिए या उसका युवीकरण करने के लिए कुछ योजनाएं चलाई जा रही है। तो कितनी योजनाएं हैं अभी चलाई गई है? इसका राइट आंसर है 11 योजनाएं हैं वो चलाई जा रही है। हरियाणा सरस्वती हेरिटेज डेवलपमेंट बोर्ड है, उन्होंने ये अप्रूव किया है। और इसके साथ ही जो सोम सरस्वती बैरेज है, सरस्वती रिजर्वियर है, आदि बद्री डैम है जो कि सोम रिवर पे है, और ये सोम रिवर है ट्रिब्यूटरी है यमुना की, जो कि शिवालिक की पहाड़ियों से ओरिजिनेट होती है। कुछ एक अलग से इंफॉर्मेशन अगर देखें हरियाणा से रिलेटेड, आप पता ही होगा आपको कि हरियाणा है, कैपिटल चंडीगढ़ है, चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर है, और सत्यदेव नारायण आर्य है इनके गवर्नर है। हरियाणा के लेजिस्लेचर में यूनिकैमरल है, 90 सीटें हैं, राज्यसभा में 5 सीटें और लोकसभा में 10 सीटें हैं। अगला क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के नए मुख्य न्यायाधीश कौन नियुक्त हुए हैं, ये क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर है आसिफ सईद खोसा। आसिफ सईद खोसा है वो पाकिस्तान के नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं। इससे पहले वाले जो मुख्य न्यायाधीश थे वो थे सकीब निसार। आसिफ सईद खोसा है पहले सीनियर जज थे सुप्रीम कोर्ट के, वहां की जो सुप्रीम कोर्ट है पाकिस्तान की उसके, और ये उनकी फोटो है थोड़ा याद करने के लिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। रिसेंटली ए बिल इज प्रपोज्ड फॉर डिलीशन ऑफ विच ट्राइब फ्रॉम द अरुणाचल प्रदेश स्टेट एसटी लिस्ट, शेड्यूल ट्राइब लिस्ट है, उससे आदि ट्राइब को, किस ट्राइब को डिलीट कर दिया गया है? क्योंकि वो जो ट्राइब डिलीट की है वो आदि ट्राइब है कोई, उसके साथ वो सेम एक किस्म से ट्राइब है, सेम ट्राइब है, तो कौन सी ट्राइब को डिलीट किया गया है एसटी लिस्ट से अरुणाचल प्रदेश की? तो इसका राइट आंसर है अबोर ट्राइब। अबोर ट्राइब है वो आदि ट्राइब एक ही बात है, इसलिए उसको डिलीट कर दिया गया है। इसके अलावा एक खामती ट्राइब है, खामती ये वर्ड है, ये ट्राइब कोई है नहीं, इनफैक्ट ताई खामती है वो ट्राइब का नाम है, तो वो भी रिप्लेस की गई है। ताई खामती है उसका नाम आया है खामती की जगह पे। तो ये कुछ एक मॉडिफिकेशन है जो कि बिल में हुई है, यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है इसको, और ये मॉडिफाइड शेड्यूल ट्राइब अरुणाचल प्रदेश से रिलेटेड ये बिल है। अब कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अरुणाचल प्रदेश से रिलेटेड। ये 20 फरवरी 1987 में इसका उदय हुआ था, ये बना था, कैपिटल है इसकी ईटानगर, यहाँ के गवर्नर है ब्रिगेडियर डॉक्टर बीडी शर्मा और चीफ मिनिस्टर है पेमा खांडू। यहाँ पे राज्यसभा की 1 सीट है, लोकसभा की 2 सीट है, डेंसिटी बहुत कम अरुणाचल प्रदेश की, 17 पर किलोमीटर स्क्वायर ये इसकी डेंसिटी है। ऑफिशियल लैंग्वेज यहाँ की इंग्लिश है। ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो आप याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली स्पीकर सुमित्रा महाजन है सस्पेंडेड 45 लोकसभा मेंबर। This action was taken under which rule of लोकसभा? लोकसभा के कौन से नियम के मुताबिक 45 लोकसभा सदस्यों को सुमित्रा महाजन ने निलंबित कर दिया गया है? तो इसका राइट आंसर है वह 374A। 374A रूल के मुताबिक स्पीकर है, अगर कोई लोकसभा की कार्रवाई में बाधा डालता है
या हंगामा क्रिएट करता है, सदन की कार्रवाई ठीक से नहीं चलने देता तो उसको सस्पेंड किया जा सकता है 5 दिन के लिए या जब तक की रिमेनिंग पीरियड है लोकसभा का उस समय के लिए, जो सबसे कम होगा उसके लिए इसको निलंबित किया जाता है। तो फिलहाल क्या है कि टीडीपी और एआईएडीएमके जो मेंबर हैं उनको कुछ समय के लिए लोकसभा की कार्रवाई से निलंबित किया गया है। तो आंसर क्या था इसका, 20 का आंसर होगा। ये आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है, 374A, इसके तहत स्पीकर कार्रवाई कर सकती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल 2016 अमेंड्स व्हिच एक्ट बाय अलोइंग इलीगल इमिग्रेंट्स एलिजिबल फॉर इंडियन सिटीजनशिप। नागरिकता संशोधन विधेयक 2016 अवैध अप्रवासियों को भारतीय नागरिकता के लिए पात्र होने की अनुमति देकर कौन से एक्ट में संशोधन कर रहा है। जैसा आप जानते होंगे कल की प्रेजेंटेशन में भी आया था कि सिटीजन अमेंडमेंट बिल हो, जो सिटीजनशिप एक्ट है उसमें चेंजेस किए जा रहे हैं, इसके लिए एक बिल लाया जा रहा है। और वो बिल क्यों लाया जा रहा है, ताकि कुछ माइनॉरिटी को जो हमारे पड़ोसी देश, कौन कौन से पड़ोसी देश, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान में, वो फिर इंडियन सिटीजनशिप के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, इसलिए इसमें संशोधन किया गया है। और वो कौन सी माइनॉरिटी है, गैर मुस्लिम माइनॉरिटी होगी, ठीक है। तो उसमें कौन से संशोधन किया जा रहा है, इसका राइट आंसर होगा ए, इसका राइट आंसर है ए। तो इसका राइट आंसर है भारतमाला प्रोजेक्ट से रिलेटेड, वो है एनएचएआई, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये हाल फिलहाल में 10,000 करोड़ रुपए के भारतमाला टैक्सेबल बॉन्ड्स इस साल इस फाइनेंशियल ईयर में इश्यू करेंगे, जिसकी वजह से जो डिफरेंट टाइप के प्रोजेक्ट चल रहे हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, 34,800 किलोमीटर में रोड बनाने हैं, फिर वो इकोनॉमिक कॉरिडोर को कनेक्ट करना हो, या इंटर कॉरिडोर और फीडर रूट है, या बॉर्डर वाले जो रोड होते हैं उससे रिलेटेड, कुल मिलाकर ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, 34,800 किलोमीटर का प्रोजेक्ट है और इसमें 5,35,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा, ठीक है। तो ये इसके बारे में जानकारी थी, तो राइट आंसर था NHAI। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली पास्ट NCTE अमेंडमेंट बिल इन पार्लियामेंट रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। NCTE एक अमेंडमेंट हुआ उस बिल में, तो आपको ये बताना है कि उसका संबंध किससे है। तो इसका राइट आंसर है बीएड। NCTE नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन, इससे 23 यूनिवर्सिटीज, वो सेंटर की हो या स्टेट की, दोनों यूनिवर्सिटी टोटल कुल मिलाकर 23 यूनिवर्सिटी थी, उनके कोर्सेज इससे एनसीटी से अप्रूव्ड नहीं थे, इसलिए इस बिल में संशोधन करना पड़ा, जिससे कि वो छात्र, लगभग 17,000 छात्र हैं, वो लाभान्वित हो गए इससे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, रिसेंटली 20 डे लॉन्ग मकर विलक्कू फेस्टिवल हैज बीन स्टार्टेड इन विच स्टेट। हाल ही में 21 दिवसीय मकर विलक्कू उत्सव है, वो किस राज्य में शुरू हुआ। इसका राइट आंसर है केरला में शुरू हुआ है ये उत्सव। इनफैक्ट लॉर्ड अयप्पा की हिल श्राइन है केरला में, वो 21 दिन के लिए खोल दी जाती है फेस्टिव सीजन में, 21 दिन के लिए खोल दी जाती है फेस्टिव सीजन में, जो कि इस बात का मार्किंग है या कंक्लूजन है कि एनुअल पिलग्रिम सेशन है उसका एंड हो रहा है। और मकर विलक्कू है वो एनुअल फेस्टिवल है, मकर संक्रांति को केरला में ये आयोजित किया जाता है सबरीवाला शराइन में। फेस्टिवल है वो हजारों की तादाद में लोग इकट्ठे होकर ये मनाते हैं, जैसे आप देख रहे होंगे इस पिक्चर के माध्यम से। अगर केरला के बारे में कुछ और जानकारी लेते हैं, वहाँ की कैपिटल जैसे आप जानते होंगे तिरुवनंतपुरम है, गवर्नर है पी सदाशिवम, लेजिस्लेचर यूनिकैमरल है, 141 सीट है वहाँ पे, एमएलए है इतने, 14 डिस्ट्रिक्ट है, और चीफ मिनिस्टर वहाँ के पी विजयन है, लोकसभा की 20 सीटें हैं और राज्यसभा की 9 सीटें हैं। अगला क्वेश्चन है विच स्टेट टॉप द लेटेस्ट रैंकिंग ऑफ सिंगापुर एशिया कॉम्पिटिटिव इंस्टीट्यूट एसीआई ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स 2018। तो इसका राइट आंसर है वो है आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश है इसका राइट आंसर है। जैसे आप इस
21 स्टेट्स ने पार्टिसिपेशन किया था, 21 स्टेट्स ने रैंकिंग में पार्टिसिपेशन किया था और उसमें से आंध्र प्रदेश है उसको फर्स्ट रैंक मिली है, फर्स्ट रैंक मिली है। पिछले साल 2016 में भी हुआ था ये, या पिछले साल भी हुआ था, पहले इसकी पांचवीं रैंक थी लेकिन इस बार इसकी पहली रैंक आई है। तीन मुद्दों पे, तीन फैक्टर्स पे ये डिसीजन होता है, पैरामीटर होते हैं। क्या क्या होते हैं? अट्रैक्टिवनेस टू इन्वेस्टर, बिजनेस फ्रेंडलीनेस और कॉम्पिटिटिवनेस पॉलिसीज। इन तीन पैरामीटर पे आंध्र प्रदेश ने बहुत अच्छा स्कोर किया है। सिंगापुर यूनिवर्सिटी है, इसने ये रैंक दी है। आगे देखते हैं और जानकारी, अगर हम बात करें आंध्र प्रदेश से रिलेटेड, आंध्र प्रदेश 1 नवंबर 1956 को बना था ये आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश की अभी जो नई राजधानी बनी है, क्योंकि आंध्र प्रदेश तेलंगाना अलग अलग हो गए, तो नई राजधानी बनी है वो अमरावती है, वह बनने जा रही है। हैदराबाद है वो डिजूरी या एग्जिस्टिंग कैपिटल है, 13 डिस्ट्रिक्ट है उसमें हैदराबाद आंध्र प्रदेश में। गवर्नर है ESL नरसिम्हन और चीफ मिनिस्टर एन चंद्रबाबू नायडू। लेजिस्लेचर बाई कैमरल है, मतलब यहाँ पे विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है। 175 विधानसभा में और 58 विधान परिषद में। लोकसभा में 25 सीटें, राज्यसभा में 11 सीटें यहाँ से होती है। 10वां क्वेश्चन है, हाल ही में अंटार्कटिका माउंट विंसेंट के सर्वोच्च शिखर पर चढ़ने वाली पहली अपंग महिला कौन बन गई? तो आपको आंसर देना है कौन बन गई। देखो 2013 में उन्होंने माउंट एवरेस्ट पर भी चढ़ाई की थी और उन्होंने 2011 में उनके साथ बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ था। पद्मावती एक्सप्रेस ट्रेन थी, उनसे उनको धक्का दे दिया गया था। और ये उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है, उत्तर प्रदेश से बिलोंग करती है। और जब वो धक्का दिया गया था उसमें इनकी टांग कट गई थी। नेशनल वॉलीबॉल प्लेयर भी रह चुकी हैं। और उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने कसम खाई आगे बढ़ने की और माउंट एवरेस्ट पे 2013 में भी चढ़ाई की। उनका एम है कि विश्व की जो 7 कॉन्टिनेंट्स हैं उसमें सबसे ऊंची चोटी है, सातों कॉन्टिनेंट्स की, उस पर वो चढ़ाई करेंगी। और 7 में से 5 में वो चढ़ाई कर चुकी है, सफलता पा चुकी है। हाल फिलहाल में उन्होंने माउंट विंसन पे सफलता पाई है। आपको बताना है उनका नाम, तो इसका राइट आंसर क्या है? अर्णिमा सिन्हा। ये उपलब्धि है, ये सभी के लिए इंस्पिरेशन का सोर्स भी है कि आप इससे प्रेरणा ले सकते हैं। और ये पद्मश्री अवार्डी है, पद्मश्री अवार्डी है, नेशनल वॉलीबॉल प्लेयर रह चुकी थी, माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई कर चुकी है और काफी चर्चाओं में भी रहती है। अब करते हैं आज की जो प्रेजेंटेशन में इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स आए थे उसके बारे में जानकारी, इससे आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा। पहला है सरस्वती रिवर, तो हाल फिलहाल में चर्चा में इसलिए है कि हरियाणा सरस्वती हेरिटेज डेवलपमेंट बोर्ड ने 11 प्रोजेक्ट, ये हरियाणा सरस्वती हेरिटेज डेवलपमेंट बोर्ड है, 11 प्रोजेक्ट, मेजर प्रोजेक्ट है वो लॉन्च किया है सरस्वती को बेटर बनाने के लिए, पुनरुद्धारण करने के लिए, पुनर्जीवन करने के लिए। और अद्री जैसे कि सरस्वती रिजर्व है, सरस्वती बैरेज है और सोम रिवर पे बांध बनाया जा रहा है। सोम रिवर है वो है यमुना की ट्रिब्यूटरी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का जिक्र आया था जो कि सैयद खोसा है। अरुणाचल प्रदेश का भी जिक्र आया था और अरुणाचल प्रदेश का जिक्र आया था कि वहां की ट्राइब है अबोर और आदि, वो दोनों एक है इसलिए उसका नाम है वहां से डिलीट किया जा रहा है, तो इसलिए उसका जिक्र भी आया था। स्पीकर सुमित्रा महाजन का जिक्र आया था कि उन्होंने 374A पार्लियामेंट के जो रूल्स है उसका सहारा लेकर, पार्लियामेंट के रूल्स का सहारा लेकर निलंबित किया है TDP और AIADMK के कुछ सांसदों को। सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल 2016 का जिक्र हुआ था और उसका सिटीजनशिप एक्ट 1955 के साथ संबंध है क्योंकि इसमें संशोधन किया गया है। और माइनॉरिटी कम्युनिटी है हमारी जो तीन नेबरिंग कंट्री है, कौन कौन से? अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान, वहां के लोगों को अब नागरिकता मिलेगी जो माइनॉरिटी में है। ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी, इसका भी जिक्र आया था, JPC का जिक्र आया था और वो जिक्र इस संदर्भ में था कि इस एक्ट में जो संशोधन है, ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी है उसने अपनी रिपोर्ट दे दी है। ज्वाइंट पार्लियामेंट JPC इसको बोलते हैं, JPC सबसे बड़ी कमेटी होती है ये, JPC संसद की, उसने अपनी रिपोर्ट दे दी है इसके ऊपर। सिटीजनशिप एक्ट 1955 में संशोधन से, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल 2016 पे। भारतमाला प्रोजेक्ट का जिक्र आया था, आपको याद आ गया होगा कि इसके लिए 10,000 करोड़ है वो पैसे के उगाने की कोशिश कर रहा है कौन? NSAI,
एनसीटीई अमेंडमेंट बिल बीएड से रिलेटेड था। सिंगापुर एशिया कॉम्पिटेटिव इंडेक्स है वो, आंध्र प्रदेश को हाईएस्ट रेटिंग मिली है इज ऑफ डूइंग बिजनेस वगैरह में, हाईएस्ट पीक ऑफ अंटार्कटिका यहाँ पे जिक्र आया था अरुणिमा सिन्हा का। तो ये कुछ एक कीवर्ड्स है जो अगर आपको याद है तो पूरी आज की सारी कहानी आपको याद हो जाएगी। अब है क्विज ऑफ द डे, आज कौन कौन से क्वेश्चन दो आपको कमेंट सेक्शन में नीचे लिखने हैं। अगर आपको ये पूरी प्रेजेंटेशन समझ में आ गई है तो डेफिनेटली इसका आप आंसर दे देंगे और जरूर आंसर दीजिए। रिसेंटली हु हैज बिकम द फर्स्ट फीमेल एम्पुटी टू क्लाइम द हाईएस्ट पीक ऑफ अंटार्कटिका माउंट विंसेंस, वो अपंग महिला के बारे में नाम लिखना है आपको कि जिसने की अभी इस माउंटेन पे चढ़ाई की है। Who has been appointed as the new Chief Justice of Pakistan? पाकिस्तान के नए मुख्य न्यायाधीश का आपको नाम बताना है कमेंट सेक्शन में। आज की प्रेजेंटेशन में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। ऑल द बेस्ट।